इस दुनिया में हम अमीर लोग गरीब लोगों को इतना निर्बल समझ लेते हैं जितना के होते नहीं हैं। पर ये कहानी मेरी नहीं, चिंता कर रहे हो। मैं हूं ना, अभी बात करके आता हूं, दो मिनट में। अभी हाँ भाई, कितने वाली चाय लगाई जाए आपके लिए? लो। अंगूठा लगवा के लाओ। देखो यूं सिर जाती है, मैंने तुम्हारा काम है बाबूजी। हाँ बस यहाँ पे अंगूठा लगा दो। जी बाबूजी, कहाँ पर लगा? यहाँ पे। बस अभी आया मैं। ये ले। ये क्यों बाबूजी? अब ये जमीन तेरी नहीं रही। क्या? ये जमीन अब तूने बेच दी? नहीं बाबूजी, ये जमीन मैं नहीं बेचूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबूजी, मैं नहीं बेचूंगा बाबूजी। मैं छोटा निकल यहाँ से। सर मेरा बेटा हो गया। तो मैं क्या करूं? FIR लगा, थाने में जाके जा। सर देखो वीडियो है मेरे बेटे का। अभी ये तो पास का ही प्लांट है, 50,000 लगेंगे। ठीक है सर, चल आ। यही है ना? यही है। हाँ हेलो, मुनीश राजपूत बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राजपूत जी। हमारे पिताजी लापता हो गए। कब हुए? अरे थोड़ी देर पहले तो थे। आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आई? नहीं। हाँ हाँ आया है, आया है वीडियो, आया है। कुछ लोकेशन वगैरह दिखा रहा नहीं राजपूत जी? हाँ है, कोई प्लांट की लोकेशन दिखा रहा है। क्या भापे? तो मैं भी हूँ, आप आ जाइए, मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ सर? वो अपने बिजनेसमैन राजपूत जी है ना, उनके भी पिताजी गायब हो गए हैं। अच्छा, और ताज्जुब की बात ये है कि यहीं का लोकेशन वीडियो दिखा रहा है। देखा आपने उधर? हाँ उधर तो खाली ड्रम पड़े हैं। ढूंढा आपने उन्हें? हाँ कुछ नहीं मिला, ये प्लांट तो कई सालों से बंद पड़ा है।
लेकिन राजपूत जी, इस सिचुएशन से ये बात तो सिद्ध हो गई है, किडनैपर उन दोनों को यहाँ पर जरूर लाया है। सत्यम सिंह आ रहा, थोड़ा धीरज रखो यार, हम सबने कुछ ना कुछ खोया है, आप तो पुलिस वाले हो। अरे राजपूत जी मेरी बहू। जब हम बोल रहे हैं धीरज रखो, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। कुछ लोगों का कर उनके बचे हुए जीवन का सारा सुख चैन छीन लेता है। तो आर्या जी, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? मैं ना मास्टर जी भगा के लाया था, तो इस हिसाब से मेरी कौन सी मैरिज हो गई? इस हिसाब से होगी भाई साहब आपकी रनिंग मैरिज। अरे बचाओ यार, कुल जाके मर्डर हो रहा, बचाओ। अरे आर्या जी बचाओ, तुम पुलिस वाले हो, बचाओ ना। उसके आदत जाग दे रहे तलम्बा है। अरे मास्टर साहब यार, तुम ही बचा लो जाके। तुम्हें भगवान ने आस्था ना दी है, तुम बचा लो। अरे अब क्या बचाओगे, बेचारी मर ही गई। चलो, जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या गलत, उससे ही भविष्य का जन्म होता है। वैसे मास्टर जी, आपका 3000 में खर्चा चल जाता है? 3000 में तो कद्दू चलेगा। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को गणित की कोचिंग, और स्कूल में तो एक अच्छा नहीं पढ़ाने का, और सारे बच्चों से कहता हूँ जो मेरे पास कोचिंग नहीं पढ़ा फेल कर दूंगा। सारी पूरी क्लास कोचिंग पढ़ती है। बड़े घटिया किस्म के इंसान है यार तुम। अरे मेरा बेटा, चलो। तो कुछ भी नहीं है, तो इसी रूम में होगा। खोलो जल्दी खोलो। खुल क्यों नहीं रहा ये? क्वेश्चन एंड आंसर। मास्टर जी मैं समझ गया, हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। हाँ ठीक है। और हमें 30 सेकंड में आंसर देना होगा। क्वेश्चन है, सन जीरो का मान बताओ। मास्टर जी जल्दी बताओ, सन जीरो का मान। अरे बताओ मास्टर जी जल्दी बताओ। सन जीरो का मान पता है मुझे। सन जीरो बराबर इक्वल टू है, पता है मेरे को, गणित का टीचर हूं मैं। अरे वो तो मुझे ही पता है, बोलो जल्दी। वो पता है मेरे को। अरे मास्टर जी जल्दी बताओ, ये लो हो गया समय, अब नहीं खुलेगा ये। अबे तू कौन है, सुअर है, कंजर है, गणित का मास्टर है? अबे तुझसे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। साल तू ही अपने लौंडे की मौत का जिम्मेदार। बाबा मास्टर है कौन है तू? साइंस जीरो का मान नहीं पता तुझे? अबे मेरे पिताजी, अबे ये तो रेलवे स्टेशन पर है। कौन सा रेलवे स्टेशन? पास वाला ही है जहाँ मैं जॉगिंग करने जाता रहता हूँ। इस पर टाइम कितना, 2 मिनट में पहुंचना हमें। चलो जल्दी चलो, हमें 2 मिनट में पहुंचना है। यहाँ तो कोई है ही नहीं। 2 मिनट 3 सेकंड। ए, क्या कर रहा तू? करूं भी क्या मैं अब?
मेरे सारे लोग तो छीन लिए इस दुनिया ने। तू जानता है अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा करे तो यह उसका कर्म है, यदि उसके कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप अपना कर्म करो, ये आपका धर्म है। ये कायरता तुझ पे शोभा नहीं देती, अपने शस्त्र उठाओ और मुंह तोड़ जवाब दो। किडनैप कर रखा है हमारे लोगों को, और चाहता क्या है तू? अति सुंदर, मैं क्या चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपके लोगों को रिहा कर, लेकिन आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हाँ कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। आपने शर्त सुनी भी नहीं और हाँ कर दी, और उसका फैसला आपको 30 सेकंड के अंदर करना होगा। सत्यम सिंह आर्य। हाँ हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ आप मुझे 1 करोड़ रुपए दें। एक करोड़ कहाँ से करूँगा मैं? 1 करोड़ कहाँ से करूँगा? 50 लाख तक कर दूंगा सर, 50 लाख। सर के अंदर कोई भी समझौता नहीं। 1 करोड़ कहाँ से करूँगा मैं? आपका समय समाप्त हो और आपके मनुष्य का भी जीवन का समाप्त हो चुका है। हाँ तो अब बारी आती है हमारे मास्टर जी। मास्टर जी आपका लक्ष्य है कि आपने जितने भी छात्रों को कोचिंग दिया आप उनका सारा पैसा लौटाओगे। ये कैसे संभव हो सकता है? इसकी जगह और कोई शर्त नहीं है? मास्टर जी कोई भी समझौता नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता। जल्दी कीजिए मास्टर जी, आपका समय समाप्ति की ओर है। ये संभव नहीं हो सकता, आपका समय समाप्त हुआ मास्टर जी। हेलो हेलो, आप फोन बिजनेसमैन मुनीश राजपूत को दे दीजिए। तो मुनीष राजपूत जी आप? हाँ हाँ, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। प्रत्येक वस्तु पैसे से नहीं आती राजपूत जी। तो राजपूत जी आपका लक्ष्य है तो मैं हमारे पिताजी को लाना है। हाँ ले आएंगे, बताओ कहाँ से लाना है? उनकी मृत्यु हो गई है, भगवान के पास से लाना है। क्या आप ले आओगे? ये किस शर्त है? हमें पता था आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम आपके पिताजी को भेजेंगे, शायद वो ले आएंगे। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। देखो उदास मत हो भाइयों, एक बात तो सिद्ध हो गई, उसे हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो हमसे किसी चीज का बदला ले रहा है। कैसे? अगर उसे पैसे चाहिए होते वो मुझसे मांगता, ना कि तुमसे। पर ऐसा कर कौन रहा है? मास्टर जी आपकी तो नहीं है दुश्मनी किसी से? नहीं, मेरी किसी से नहीं है यार, फिर ऐसा कर कौन सकता है? सोचना तो पड़ेगा। एक मिनट, अभी कौन टकरा है हमसे? जरूर भाई है, जल्दी चलो ढूंढो उसे। खत्म हुआ तेरा खेल। एक मिनट, कौन है तू? क्यों पड़ा हमारे पीछे? कोचिंग लगा ली मेरे पास, पास हो जाएगा? नहीं सर, हमें सब समझ में आता है सर। क्या समझ में आता है? फिर क्या समझ में आता है?
सर सर पैसे नहीं है हमारे पास। क्या पैसे नहीं है? 200 रुपया नहीं है तेरे पास? चल। शायद आप उस दिन हमें फेल नहीं किए होते तो हम ये नहीं। और शायद आप उस दिन हमारे पिताजी को 2 दिन दिए होते तो हम ये नहीं होते। साहब साहब हमको 2 दिन का टाइम दे दो, हम अपनी फसल बेच के आपको पैसा लौटा दूंगा। नहीं नहीं बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, हम तुम्हारी जमीन लेने आए हैं, लगाओ अंगूठा। नहीं साहब नहीं, 2 दिन का टाइम और दे दो साहब, नहीं मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब, क्या कर रहे हो बाबूजी, छोड़ दो मुझे। साहब 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 और शायद आप उस दिन शायद सत्य के साथ खड़े होते तो हम ये नहीं होते। सर 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 मेरे पत्नी के साथ गुंडे लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं सर, सर 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 इधर इधर छोटे तू चूतियों से बात कैसे देखता हूं। और रही बात आपकी धर्म पत्नी की, तो उस दिन आपने अगर कर्म किया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। बच्चों को कोचिंग देने की बजाय खुद कोचिंग पढ़ लिए होते तो शायद आपका बच्चा आज जिंदा होता। और राजपूत जी आप उस भागते समय में शायद उस गरीब इंसान को देख पाते तो आपके पिताजी शायद आपके साथ होते। चलो अब मैं भी भगवान के पास खुशी खुशी जा सकूं। देख भाई मुझे पूरा यकीन है मेरे पिताजी जिंदा है, मैं तेरा पूरा का पूरा खेत लौटा दूंगा, पर मैं आपके पिताजी को तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं उसका हर्जाना पूरे 2 करोड़ रुपए दूंगा आपको। और रही बात आपकी पत्नी की, तो मैं आपकी दूसरी शादी कराऊंगा, प्लीज मेरे पिताजी को वापस कर दीजिए। राजपूत जी वक्त और प्यार जिंदगी में बहुत खास है, वक्त हर किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। लो इस पति पर तुम्हारे लोग बन जाएंगे और इसकी बात भी कर। मैं आप लोगों को बता दूं, इस और में केवल तुम लोगों का ऑक्सीजन।